जय जिने, आपका स्वागत है नीलम सिंदौरी किचन में। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले अपन घी लेंगे और घी को अपन रखेंगे गैस पे गर्म करने के लिए। सबसे पहले अपन ने गैस पे घी रखा है गर्म करने के लिए और साथ ही अपन बना रहे हैं शक्कर की चाशनी। मैंने 1 किलो शक्कर ली है और 1 ग्लास इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। शक्कर में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। अब अपन आगे की तैयारी करते हैं। ये बन रही है। आधा किलो मावा लिया है। आधा किलो मावे को अपन अब इस तरह से घिसेंगे। इस तरह से अपने को ये मावे को बिल्कुल सॉफ्ट करना है। ये प्रोसीजर थोड़ी सी लेंदी है बट बहुत बढ़िया है। इससे गुलाब जामुन बहुत ही स्पंजी बनेंगे। ये देखिए मावा अपना घिस के तैयार है। एक बार का इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और मिला सकते हैं। तो आधा किलो में अपने को 50 ग्राम मिलाना है। मैंने एक कप से मेजर किया है। अरारोट मिक्स करके सेम प्रोसीजर अपने को फिर से करना है। इसी तरह से सेकेंड टाइम का भी अपना मावा घिस के तैयार है। देखिए बिल्कुल गैस पे जो घी रखा था बिल्कुल तैयार है, एकदम गर्म। और इधर चाशनी भी अपने बनकर तैयार है। तो अपन ने चाशनी भी बंद कर दी और अब घी को भी अपन ठंडा करने के लिए रखेंगे। तब तक अपन फिर से मावा 2 बार और घिस के तैयार करते हैं। मावे में अपन केशर मिलाएंगे। केशर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मिलाना चाहे तो। और 1/4 टीस्पून इलायची। इलायची आप जरूर मिलाइए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगेन अपन प्रोसेस को रिपीट करेंगे 2 बार। अपन ने पहली बार बिल्कुल प्लेन घिसा था, दूसरी बार अपन ने अरारोट मिलाया था 50 ग्राम, उस पर फिर घिसा, फिर केशर और इलायची मिलाइए, उसके बाद घिसा एक और बार। और अब चौथी बार अपन ने घिस रहे और घिसना देखिए आपको इस तरह से, ये जो हथेली है हथेली से आपको इसको प्रेशर लगा के इस तरह से घिसना है। तो ये चारों बार अपना मावा घिस के ये देखिए तैयार है, डो बन के तैयार है। आपको डो बिल्कुल इस तरह से रखना है कि नरम, जैसे अपन रोटी का आटा नहीं लेते, बिल्कुल सॉफ्ट। चलिए अब इसके अपन गोलियां बनाएंगे इस तरह से। सेम साइज के बॉल बनाने के लिए अपन ने लॉक तैयार कर लिया है। अब आप इसको कट कर लीजिए इस तरह से। ये तैयार है अपन कट करके। अब इसका अपन बॉल बनाएंगे। पहले आप टाइट हाथ से बनाइए, फिर लाइट कीजिए और ये देखिए अपना बॉल विदाउट क्रेक तैयार है। इस तरह से अपने को सभी बॉल बना के तैयार करना है। घी चेक करने के लिए पहले अपन एक छोटी सी बॉल डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए घी का टेम्परेचर अपना बिल्कुल सही है। बॉल में बिल्कुल हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इतना ही गर्म अपने को रखना है घी, इससे ज़्यादा घी गर्म नहीं करना है। ये देखिए बॉल ऊपर आ गई अपनी। अब अपन गुलाब जामुन डालेंगे सभी। यही ट्रिक है जिससे गुलाब जामुन बिल्कुल गोल बनते हैं। ये देखिए इस तरह से अपने को हिलाना है, आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। और एक एक करके आप डालिएगा थोड़ा सा गैप में गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि फूलेंगे अभी, इसमें डबल हो जाएंगे साइज में। आपको इस प्रोसीजर करते वक्त चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है गुलाब जामुन में। और ये देखिए आप गुलाब जामुन इस प्रोसीजर करते वक्त चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है गुलाब जामुन में। अब आप चम्मच से इसको हिला सकते हैं। ये कब हिलाना है? जब सारे गुलाब जामुन आपके ऊपर आ जाए फूल कर, तब आप चम्मच इसमें डाल के इसको आप हिला सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक अपन इसको सेकेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही सेकना है अपने को। बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार है अपने। डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। मैंने चाशनी में भी थोड़ा केशर और इलायची डाला है कलर और फ्लेवर के लिए। चाशनी आप ध्यान रखिएगा थोड़ी कुनकुनी ही होना चाहिए, ठंडी में नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। देखिए सेकंड बैच भी बनके तैयार है। और आप पहला वाला बैच देखिए, इसने पूरे गुलाब जामुन ने चाशनी पी ली है। अब अपन सेकंड बैच डालेंगे। अच्छा, ध्यान आपको ये रखना है कि चाशनी बिल्कुल पतली ही बनाना है, सिर्फ शक्कर पिघले
उसके बाद एक ही बॉईल लेना है, उससे ज़्यादा अपने को नहीं लेना है। और तलते वक्त भी ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का घी के, कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो। गुलाब जामुन बिल्कुल आपको सिम गैस पे ही तलना है। गुलाब जामुन बनकर तैयार है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप सर्व करें तो इसे गर्म करना है एक बार, फिर आप सर्व कीजिए। ये देखिए अपने गुलाब जामुन कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल चाशनी भी पीली है। ये देखिए